फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आप लोग मेरे चैनल की रेसिपीज को बहुत पसंद कर रहे हैं। आज एक रैंडम रेसिपी भी बना रही हूँ जो कि है फ्राइड ओकरा या फिर फ्राइड भिंडी की रेसिपी। बहुत इंस्टेंट तरीके से बनाऊंगी, फटाफट आपको मसाले बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा टेबलस्पून चाट मसाला, 1 छोटा टेबलस्पून हींग पाउडर, 1 बड़ा टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 बड़ा टेबलस्पून नमक, 2 बड़े टेबलस्पून हल्दी, 2 बड़े टेबलस्पून किचन किंग, 2 बड़े टेबलस्पून तंदूर मसाला, 1 बड़ा टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 बड़ा टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है मिक्स्ड मसाला। अगर आपके पास मिक्स मसाला नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। और थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है गरम मसाला। ये है भिंडी जिनके बीच में मैंने स्लिट कर दिए हैं, ये देखिए इस तरह से स्लिट कर दिए हैं, तो सब में स्लिट कर दीजिए आप भी इसी तरीके से। और आप लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए, ऑलिव ऑयल हो या फिर आपके पास सरसों का तेल हो तो सरसों का तेल हो तो उसको हल्का सा पका लें, उसके बाद इस्तेमाल इसको करें। तो आइए फटाफट बनाते हैं इंस्टेंट फ्राइड भिंडी या फिर ओकरा। सब मसालों को हाथ से अच्छी तरह इस तरह से मिला दें, बहुत ही ईजी है ये। और इसमें आप थोड़ा सा तेल मिला दें, ये गया तेल इसमें। और अब ये भिंडी भी इसमें साथ में ही ऐड कर दें और हाथ से मिला दें। ये जितना भी मसाला है वो आपकी भिंडियों पर कोट हो जाएगा, इसीलिए ये इंस्टेंट तरीका है और बिल्कुल भी टाइम इसको करने में नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं 3 बड़े टेबलस्पून ऑयल एक कढ़ाई में चढ़ा दें। और ये रही भिंडियाँ जिनके ऊपर मैंने अच्छे से मसाला कोट कर दिया है। बस हमें करना कुछ भी नहीं है, इमीडिएटली इन भिंडी को आप इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। ज़्यादा ना चलाएं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, भिंडी पकी नहीं है। अभी आप गैस को कर दें एकदम लोअर टू मीडियम फ्लेम पर, चाहे तो लोअर भी रख सकते हैं, आप अपना गैस का फ्लेम चेक करें। और इसे ढक दें लगभग 7 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद चेक करेंगे भिंडी पकी है कि नहीं पकी। 4 से 5 मिनट के बाद एक बार आप भिंडी वाला जो वेसल है उसको चेक कर लें, क्योंकि कई बार गैस का फ्लेम जो होता है वो इस तरह से होता है कि आपकी भिंडियाँ पक जाती हैं। हम चेक कर सकते हैं, ये देखिए हल्की हल्की ये पकने लगी हैं। इनको अच्छे से मिला दें, मसाला बाहर नहीं निकलना चाहिए, एक बार बस अच्छे से मिक्स कर दें। और अब इसको दोबारा से ढक दें और पकाएंगे अगले 4 मिनट के लिए। ये रही भिंडी और बनकर बिल्कुल यमी भिंडी तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी देखने से लग रही है और कितनी ब्यूटीफुल ये लग रही है। एकदम इंस्टेंट तरीके से बनाई गई, आपने देखा होगा, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, इतनी आसान है। और अगर आपका गैस फ्लेम शायद मेरे से बेटर है तो 5-6 मिनट में बन जाएगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आई हो रेसिपी तो सब्सक्राइब करें, ऊपर रेड कलर का बटन है, और शेयर, कॉमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय फॉर नाउ।